होता है, लगाने में आसान होता है। इतनी बड़ी बड़ी बीन हो गई है। और ला और ला। दोस्तों तो कैसे आप लोग, उम्मीद होगा अच्छे होंगे, खुश होंगे, अस्वस्थ होंगे। मैं एम एस सजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम एस सजा। हमारे यूट्यूब चैनल एम एस सजा में आप लोगों का स्वागत है। हमारे यहाँ अभी धान धान लगाने यानी धान रोपने की समय आ गया और बारिश बहुत कम हो रही है, जैसे में खेत में पानी उनी नहीं है तो हम लोग को मोटर लगा के रोपना पड़ रहा है। तो देखिए मोटर लगा के रोपने में लाइन तो हमारे यहाँ बराबर नहीं रहती है, लेकिन लगा रहे हैं मोटर हम लोग और मोटर लगा के धान रोपते हैं। वो धान कैसे रोपा जाता है, उस दिन पहले पिछले वीडियो में दिखाया था कि बिहन धान का बीज कैसे तैयार होता है, इतना बड़ा बड़ा वो तैयार हुआ था वो दिखाए थे। तो अब धान कैसे रोपा जाता है वो देखिए। हम लोग पानी चलाएंगे अपने खेतों में, उसके बाद पानी होगा तो हल चलाएंगे, हल चलाने के बाद धान लगाएंगे, वो सब वीडियो दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये देखिए हम लोग तार बिछा दिए हैं अपने घर से और ये तार बिछा चुके हैं हम लोग। अरे नदी है, यहाँ से पानी लेंगे अपने खेतों में। देखिए ये सब खेत हैं हमारे, ये खेत में पानी लेंगे। उसके बाद हमारा देखिए तार आ चुकी, तार जोड़ के और लंबी करेंगे तार और खेतों में पानी लेंगे। उसके बाद धान लगाएंगे और हल चलाएंगे। आप लोग वीडियो आएगी, एक मोटर इधर लगी हुई है और नदी से पानी आएगी अभी, उसके बाद फीता उत्ता लगा के खेत में लेके जाएंगे पानी को। मोटर से पानी चालू हो गई है और हमारे खेत में पानी जा रहा है मोटर से। और वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बे? लकड़ी तोड़ रहे हैं। क्या करेगा लकड़ी को? ये तुम्हें मारूंगा। क्यों? नहीं, ये मारूंगा। अच्छा देखो हाथ में इतना सा छोटा है ना, इतना बड़ा टांगे लेके ये बैठा है, लकड़ी को काट रहा है। अब बोलते तुझे मारूंगा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए हम लोग आज सुबह, अभी सुबह के 5 बजे और मैं जा रहा हूँ अपना खेत हाथ में कोड़ा लेके, और आगे आगे मेरा भाई जा रहा है हल जोतने के लिए और पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ। तो अभी सुबह के 5 ही बजे और तो उठना पड़ता है सुबह सुबह, उठ के जाके खेत में। कल मोटर लगाए थे तो पानी हो गया, खेत में जा रहे हैं जोतने और थोड़ी बहुत करने जा रहे हैं, वहाँ जाके दिखाता हूँ खेत। और खेत में मेरा भाई हल चला रहा है, देखिए पानी पूरा भर दिए हैं मोटर लगा के, और एक खेत में हल जोत रहे मेरे भाई और मैं कोड़ी घोट करने जा रहा हूँ। कोड़ी लेके कोड़ी घोट करने के लिए इसमें पहले से ट्रैक्टर चला हुआ था, इसलिए ज़्यादा हम ये घोट नहीं करना पड़ेगा, फिर भी कर रहे हैं। करना आसान काम नहीं है, ये बहुत भारी काम है। देखते हैं हमारे हालत कैसे खराब हो गई है, पूरा कीचड़ और कादो हमारे ऊपर ही आ गया है। हाल चलाना
देखिए यहाँ ट्रैक्टर लगा दिए हम लोग, ट्रैक्टर लगा दिए क्योंकि बहुत खेत हो गए जोतने के लिए और बैल चलती नहीं उतना फास्ट और बैल थक गए। देखिए ये बेहन कबारा जा रहा है हमारे खेत से, आज से कम एक डेढ़ महीने पहले जो लगाया था बीज वो बड़ा हो गया, इसको निकाल के कबार के उसके बाद धान लगाएंगे वो खेतों में जहां हो रहा है कादो उसमें लगाएंगे, तो वहां के भी दिखाऊंगा कैसे धान लगाया जाता है। यहां तो लाल कबारा जा रहा है बहन और यहां से कबार कबार लगाएंगे। और देखिए वो अरसद है जो वो देख बेहद हो रहा है अब माथे पर ले जाके, और दोनों भाई देख सरवर भाई भी यहाँ खेत पे आ गया है, सब लोग खेत पे काम कर रहे हैं। और देखिए ये बच्चा हमारा अरमान रजा ये बिहन को छान छान को ऊपर कर रहा है, इधर रख दे, अरे ऐसा ही ला के रखो, कितनी बड़ी बड़ी बिहन हो गई है, और ला और ये बिहन लेके जाके फिर वो जो खेत में का दो भाई यहाँ खेत पे क्यों आएगी, खाने नहीं मिलेगा तुमको पक्का। हाँ रे, हाँ पक्का, लेकिन थोड़ा गेंजी नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा है। हेलो गाइस, ये है मेरे छोटू अप्पू। अभी हम लोग तीन खेत का मैं कोड़ी घट करके आ चुका हूं और जा रहा हूं खाना खाने नाश्ता करने के लिए। सुबह 4 बजे ही भोर उठे थे हम लोग और सब मेरा भाई और सब मेरा अम्मी अबू सब सुबह ही उठे थे और सुबह उठ के सब खेत पे गए और सब खाना खाने जा रहे, वो लोग खाना खा के आ गए, अब मेरी बारी है, मैं तीन जा रहा हूं खाना खाने के लिए, फिर खाना खा के आऊँगा, उसके बाद बिहन तो कबारा, फिर थोड़ा और बिहन कबारना है, उसके बाद फिर नहा धो के फ्रेश होके कहीं निकलेंगे। लेकिन आप लोग को दिखाऊंगा कि फिर धान कैसे रोपते हैं वो सब वीडियो, लास्ट तक आप लोग ज़रूर बने रहिए। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए और खाना खा के आप लोग से फिर मिलें। तो दोस्तों देखिए ये दोहड़ दिया जा रहा है, दोहड़ इसलिए देते हैं कि बराबर कर देते हैं माटी को, बराबर करके धान रोपने में आसान होता है और बराबर करके धान लगने में आसान होता है, लगाने में आसान होता है और बराबर होता है ये दोहड़ से, इसलिए देखिए दोहड़ दिया जाता है, हमारे गांव भाषा में इसको दोहड़ बोलते हैं। ये देखिए दोहड़ दिया जा रहा है, उसके बाद इसके ऊपर धान रोपेंगे तो धान रोपने की वीडियो भी आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए कैसे दोहड़ जा रहा है। अभी फ़िलहाल देखिए कि दोहड़ कैसे दिया जा रहा है और पूरी माटी को समतल करके और उसके बाद इसके ऊपर रोपा जाएगा। देखिए बैल को कैसे घुमाया जाता है, उसके ऊपर चढ़ के पूरा माटी को समतल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों ये इधर धान लगाया जा रहा है, धान रोपा जा रहा है, 4-5 लोग धान रोपने में लगे हुए हैं और देखिए आधा से ज़्यादा धान रोपाई हो चुकी है और अभी 4-5 लोग और धान रोप रहे हैं, अब फिर थोड़ा ही बचा है। देखिए बहुत मेहनत, बहुत कठिनाई और बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ती है देखिए धान रोपने के लिए। इधर बहुत
बाद फिर कल देखेंगे। लोग को थकावट बहुत ज़्यादा है, जानवर को हम लोग से ज़्यादा थकावट होती है, इसलिए हम लोग दौड़ आ रहे हैं। फिर कल पूरे तैयार हो चुका हूँ, नहा धो के पूरे तैयार रेडी हो गया हूँ। बहुत कीचड़ उड़ लग गई थी, अब तैयार हो गया और आया हूँ मैच खेलने के लिए। उधर वीडियो बना नहीं पाया तो इसलिए अभी बना रहा हूँ। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हमारे धान की खेती वाली तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो हमारे वीडियो और हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहिए और ऐसे ही वीडियो आप लोग के सामने लाता रहूँगा। आप लोग वीडियो